फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्कूल में मेरा पहला दिन पर निबंध, वो भी हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। स्कूल में मेरा पहला दिन मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। आप हमेशा अपने घर में आराम और सुरक्षा में रहे। हालांकि स्कूल में आपका पहला दिन अज्ञात अनुभवों और अवसरों के द्वार खोलता है। किसी भी अन्य बच्चे की तरह मैं भी अपने पहले दिन से डरा हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कक्षा में जाने से झिझकते हुए अपनी माँ का हाथ नहीं छोड़ता था। अपने पहले दिन मैं उत्साहित होकर उठा और पहली बार अपनी वर्दी पहनी। इसने मुझे जो एहसास दिया वह इतना यादगार था कि मैं इसे कभी भूल नहीं सकता। चूंकि यह मेरा पहला दिन था, मेरे माता पिता दोनों मुझे छोड़ने गए। मुझे कक्षा को छोटे बच्चों से भरा हुआ देखना याद है। कुछ रो रहे हैं जबकि अन्य दूसरों के साथ खेल रहे हैं। मैंने अपनी माँ की ओर देखा और उन्हें ऐसे देखा जैसे मैं नहीं चाहता कि वे यहाँ से चले जाए। उन्हें जाना पड़ा, इसलिए मैं रोता रहा। लेकिन आखिरकार मेरे शिक्षक ने मुझे सांत्वना दी। एक बार जब मैं कक्षा में गया तो मैंने अन्य बच्चों से बात की और उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। कक्षा के रंग बिरंगी दीवारों ने मुझे बहुत मोहित किया। हमें खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने मिले जिससे बाकी सभी बच्चों को भी ध्यान भटक गया और उन्होंने रोना बंद कर दिया। मुझे फ़ायदा यह हुआ कि मेरी बहन भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। वह मुझसे 3 साल बड़ी है, इसलिए वह मेरी सीनियर थी। अवकाश के दौरान मुझे अपने माता पिता की याद आने लगी थी, इसलिए मेरी आँखें भर आ गई थी। लेकिन तब भी मेरी बहन मुझसे मिलने आई और मुझे लगता है कि वह उस दिन मेरे लिए किसी तारनहार से कम नहीं थी। उसने मुझे बाहर ले जाने के लिए शिक्षक से अनुमति ली और मैं उसके साथ खेल के मैदान में चला गया। हम पूरे अवकाश के दौरान झूला झूल रहे थे। मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई क्योंकि मेरे साथ एक जाना पहचाना चेहरा था। एक साथ खाने और झूला झूलने के बाद अवकाश के अंत का संकेत देने के लिए घंटी बजी, इसीलिए उसने मुझे वापस मेरी कक्षा तक छोड़ दिया। जाने से पहले उसने मुझे एक चुंबन दिया और मेरे सिर पर हाथ फेरा। यह मेरे लिए शेष दिन बिना रोए गुजारने के लिए पर्याप्त था। इस प्रकार इससे मुझे अत्यंत सौभाग्यशाली महसूस हुआ कि मेरी बहन मेरे लिए वहाँ थी। इस प्रकार स्कूल में मेरा पहला दिन सचमुच सुखद था। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और अपना अनुभव दूसरों के साथ साझा करता हूँ तो यह मुझे गर्व से भर देता है। मुझे लगता है कि मेरे पहले दिन ने मुझे स्कूल में आत्मविश्वासी बनने में मदद की, जिसने अंततः वहाँ मेरे बाकी वर्षों को आकार दिया। इस प्रकार यह वास्तव में मेरे लिए एक यादगार अनुभव है। तो दोस्तों, आपका भी स्कूल का पहला दिन कैसा था और कैसा रहा, ये मुझे कमेंट कर ज़रूर लिख कर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।